हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ होम एकेडमी। इस वीडियो में हम हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वीडियो जो है ये JKSSB सुपरवाइजर एग्जामिनेशन के लिए बना रहे हैं। आपके सिलेबस में दिया गया है हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट और उसके रिलेटेड इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इससे पहले हमने वीडियोज़ जो है बहुत सी अपलोड की है, आप उन्हें भी ज़रूर देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, हु एस्टैब्लिश्ड द प्रथा समाज। दिए गए 4 अल्टरनेटिव ऑप्शन हैं और हमें ये चूज़ करना है कि प्रथा समाज को किसने एस्टैब्लिश किया। ऑप्शन 1 आपके पास है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन बी डी रोजिया, ऑप्शन सी डेविड हेयर एंड ऑप्शन डी अस्थामरम पंदुरंगा विद द हेल्प ऑफ केशव चंद्र सेन। आपका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन डी है, अस्थामरम पंदुरंगा विद द हेल्प ऑफ केशव चंद्र सेन। तो आपको ये भी याद रहना चाहिए, केशव चंद्र सेन ने जो है वो हेल्प की थी प्रथा समाज बनाने के लिए, और जो है एस्टेब्लिश इन्होंने कब हेल्प की थी, 1863 में। तो ईयर भी जो है वो साथ साथ याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, व्हेन वाज हिंदू कॉलेज एट कलकत्ता एस्टेब्लिश। तो दिए गए 4 अल्टरनेटिव ऑप्शन हैं। पहले तो आपको ये याद रहना चाहिए, हिंदू कॉलेज जो है कहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया, कलकत्ता में एस्टेब्लिश किया गया और आज जिसका नाम कोलकाता है। दिए गए 4 अल्टरनेटिव ऑप्शन कौन कौन से हैं, 1829, 1817, 1858 एंड 1853। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो है 1817 है। तो हिंदू कॉलेज कोलकाता में बनाया गया है, कब बनाया गया है, 1817 में। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, व्हाट वाज द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर इन द सोशल रिफॉर्म्स इन इंडिया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की क्या कॉन्ट्रीब्यूशन थी सोशल रिफॉर्म्स में इंडिया के। ऑप्शन 4 दिए गए हैं, ही एनश्योर्ड द विडोज मैरिज एंड गर्ल्स एजुकेशन, ऑप्शन बी हेल्प इन अबोलिशन ऑफ सती सिस्टम, ऑप्शन सी एस्टैब्लिश द ब्रह्म समाज, ऑप्शन डी ही अडॉप्टेड हैंडर्ड विलेजेस to relocate it from Andhra Pradesh to Bengal for better life. Correct option जो होगा option A है, he ensured the widow's marriage and girls education. Widow's remarriage को इसने ensure किया था और girls education पे focus रहा था। तो ये greatest contribution थी किसकी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। Question number 4, when was Brahma Samaj split? ब्रह्मा समाज जो है वो सिप्लिट कब हुआ। यहाँ पर फॉर्म नहीं है, सिप्लिट के बारे में पूछा गया है। दिए गए 4 अल्टरनेटिव ऑप्शन हैं, 1866, 1826, 1843 एंड 1857। आपका करेक्ट ऑप्शन होगा 1866। तो ब्रह्मा समाज कब सिप्लिट हुआ है, 1866 में सिप्लिट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, रामाकृष्ण मिशन वॉज फाउंडेड इन द ईयर। रामाकृष्ण मिशन वॉज फाउंडेड इन विच ईयर। दिए गए 4 अल्टरनेटिव ऑप्शन हैं, 1897, 1898, 1899 एंड 1896। करेक्ट ऑप्शन इज 1897। क्वेश्चन नंबर 6, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल वर एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट इन 1886 एट विच लोकेशन। तो आप जानते हैं DAV स्कूल कितने मशहूर है, दयानंद एंग्लो वैदिक इनकी फुल फॉर्म है, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल वर एस्टैब्लिश्ड इन 1886। तो पहले तो ये बात आपको याद रहनी चाहिए, 1886 में एस्टैब्लिश किए गए। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा, लोकेशन ऑप्शन ए बॉम्बे, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी लाहौर, ऑप्शन डी हरिद्वार। आपका करेक्ट ऑप्शन होगा लाहौर। तो DAV स्कूल्स एस्टेब्लिश किए गए हैं
लाहौर में 1886 में। क्वेश्चन नंबर 7 है, शुद्धि मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाई। शुद्धि मूवमेंट जो है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, आर्य समाज, धर्म सभा, SNDP मूवमेंट एंड सेवा सदन। तो शुद्धि मूवमेंट को किसने स्टार्ट किया था? शुद्धि मूवमेंट को स्टार्ट करने वाले थे आर्य समाज। करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, MG रनाडे, RG भंदरकार एंड NG चंद्रवारकर वर द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ। तो यहाँ पर पूछा गया है ये किसके प्रोमिनेंट लीडर थे। दिए गए चार ऑप्शन हैं, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रथ समाज एंड नन ऑफ दिस। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी होगा, प्रथ समाज। तो याद रहे MG रनाडे, RG भंदरकार एंड NG चंद्रवारकर जो थे वो किसके प्रोमिनेंट लीडर थे? प्रथा समाज के प्रोमिनेंट लीडर थे। क्वेश्चन नंबर 9, कॉलम ए को कॉलम बी से जो है हमें मैच करना है। कॉलम ए में दिया गया है केशव चंद्र सेन, कॉलम बी में ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, कॉलम ए में सेकंड नंबर पे देवेंद्रनाथ टैगोर एंड ऑफ कॉलम बी में जो है अदि ब्रह्म समाज एंड कॉलम सी में जो है दयानंद सरस्वती एंड आर्य समाज दिया गया है। तो आपको याद रहना चाहिए केशव चंद्र सेन जो है वो ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया से रिलेटेड है और इन्होंने प्रथा समाज जो है बनाने में जो है हेल्प भी की थी। देवेंद्रनाथ टैगोर अदि ब्रह्म समाज एंड दयानंद सरस्वती जो है वो आर्य समाज से रिलेटेड है। तो आपको ये पॉइंट्स जो है वो याद रहने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, हु स्टार्टेड द आर्य समाज। आर्य समाज को किसने स्टार्ट किया? ऑप्शन चार दिए गए हैं, स्वामी विवेकानंदा, ऑप्शन बी राजा रामन राय, ऑप्शन सी गोपाल कृष्णा गोखले एंड ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती। करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन डी है, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है आर्य समाज को स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फ्लोइंग रिफॉर्म मूवमेंट वॉज द फर्स्ट टू बी स्टार्टेड इन द 19th century। 19th century की अगर हम बात करते हैं वो कौन सा रिफॉर्म मूवमेंट था जो सबसे पहले स्टार्ट किया गया था? ऑप्शन ए प्रथा समाज, ऑप्शन बी ब्रह्म समाज, ऑप्शन सी रामकृष्ण मिशन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो हम जानते हैं प्रथ समाज जो था 1863 में, लेकिन ब्रह्म समाज की अगर बात करेंगे अभी हमने पढ़ा ब्रह्म समाज तो सेप्लिट हुआ था 1866 में, तो आपका करेक्ट ऑप्शन भी ब्रह्म समाज ही है। तो ब्रह्म समाज जो रिफॉर्म थी, ये रिफॉर्म मूवमेंट जो थी, ये सबसे पहले जो है स्टार्ट की गई थी 19th century में। क्वेश्चन नंबर 12, विच रिलीजियस रिफॉर्म ऑफ द वेस्टर्न इंडिया वॉज नोन एज लोकितवादी। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच रिलीजियस रिफॉर्मर ऑफ द वेस्टर्न इंडिया वॉज नोन एज लोकितवादी। वेस्टर्न इंडिया के टाइम में जो रिलीजियस रिफॉर्मर थे बहुत से, उनमें से किस रिलीजियस रिफॉर्मर को कहा जाता था लोकितवादी? ऑप्शन ए गोपाल हरि देशमुख, ऑप्शन बी RG भंदरकार, ऑप्शन सी महादेव गोविंद रनाडे, ऑप्शन डी BJ तिलक। आपका करेक्ट ऑप्शन है गोपाल हरि देशमुख। होपफुली जो है ये वीडियो आपको जो है पसंद आई होगी, इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही डिस्कस किए। तो अगर वीडियो पसंद आई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक अवर वीडियोज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स and do not forget to subscribe our YouTube channel Home Academy and also press the bell icon so that you get notification of every video whenever we upload. Thanks for watching. Subscribe.